a cave, a dream that no one could say. हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम कारगिल। देखिए अभी लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं और हम अभी कारगिल के कौन से होटल में बाजी? रॉयल नहीं नहीं गैशो। हाँ गैशो, रॉयल गैशो, हाँ होटल रॉयल गैशो में हैं, जो कि कल हम रात में यहाँ पे आए थे। अभी का सीन ये है कि हमने यहाँ से निकलना है पहलगाम के लिए। पहलगाम का सीन ऐसा है कि पाजी कह रहे हैं कि पहलगाम चलते हैं। पाजी पहलगाम शायद गए नहीं। पाजी गए हैं पहलगाम? बहुत पहले गए। हाँ, तो इसलिए पाजी को जाने का बड़ा मन है। तो यहाँ से हम कारगिल से सीधा निकलेंगे, द्रास होते हुए कारगिल वॉर मेमोरियल सोनमर्ग होते हुए हम जाएंगे पहलगाम वाया श्रीनगर। तो हमें जल्दी से फटाफट निकलना होगा। पैकिंग वैकिंग सारी हो चुकी है, बस पाजी चाय पी रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। ये जो रूम है, इस रूम का हमें पे करना पड़ा 2200 रुपया। कल की वीडियो में मैंने जैसे बताया था आपको, नाश्ते का सीन ये है कि नाश्ता भी हमने किया नहीं है, सिर्फ चाय पिया है, क्योंकि यहाँ पर नाश्ता काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि जाके बाहर खा लेंगे, अच्छा भी नहीं होता पता, पाजी कह रहे हैं तो। अंग्रेजों वाला देते हैं। हाँ अंग्रेज, हाँ अंग्रेजों वाला होता है। तो फिर है ना, फटाफट हम जाएंगे बाहर, बाहर में किसी ढाबा वाबा में देखेंगे, 50 रुपये वाला जो आलू पराठा मिलता है वो खा लेंगे। नहीं पाजी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये 50 रुपये वाला 120 रुपये में देखता। और दूसरी बात ये कि अगर आप में से जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कारगिल में बस स्टैंड है, वहाँ से श्रीनगर के लिए भी चली जाएगी बस, और लेह के लिए भी जाती है बस, और लेह से श्रीनगर भी जाती है और श्रीनगर से लेह भी जाती है। तो लेह से श्रीनगर का जो किराया मैंने पिछली बार पता किया था वो लगभग 1200-1300 रुपये लेते हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो SRTC है बस का, वो चलता रहता है। अब पहले जब हम आए थे उस टाइम कोरोना वायरस की वजह से नहीं चल रहा था, लेकिन इस बार चल रहा है। तो आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगी, लेकिन आपको सुबह जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बसेज हैं। एक सुबह में निकलती है या फिर है ना पता नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि आप सुबह निकल जाएँ। कहीं भी जाना हो, आपको पैंगोंग जाना हो कारू से, तो भी आपको बस मिल जाएगी। अगर जंस्कार जाना हो तो शायद, पाजी जंस्कार की तरफ भी जा रहा था ना बस, जंस्कार की तरफ बस जा रहा था ना? है वो देख, हाँ देख, एक दो एक आँख होगा सिर्फ सुबह। हाँ जाता, जाता होगा, ज़रूर जाता होगा। ऐसे होटल में रहने का एक फ़ायदा होता है कि आपको कोई भी चीज़ मंगवाना हो, यहाँ पे एक टेलीफोन रखा है, 9 नंबर डायल करो, 5 नंबर डायल करो, मंगवा लो, बड़े आसानी से आ जाता है। साफ सफाई भी है। हाँ, थोड़ा साफ सफाई भी होता है। देखिए भाई, ऐसा है कि अभी लगभग 10:30 हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं कारगिल शहर से सोनमर्ग के लिए। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये पूरा कारगिल शहर है, ये भी कारगिल शहर है, लेकिन ये दरिया के इस तरफ है और वो जो शहर है वो दरिया के उस तरफ है, जहाँ पे हम कल रुके थे। 4-स्टार होटल में रह कर कैसा आपका मन खुश हो गया? और क्या, कल पाजी ने कहा आनंद आया। ऐसे पता है, ऐसे होटल में थोड़ा रहने से एक तो हमें फैसिलिटी फुल मिल जाती है, देखो वाईफाई हो गया और साफ सफाई पूरी थी, बिल्कुल है ना, अपने घर से तो होता है। लेकिन बस गर्म पानी हर टाइम, पैसे का भाई, पैसे की खेल है। अरे पैसे का खेल है, पैसा है तो सब कुछ अच्छा है, पैसा नहीं है तो फिर वैसे जितने पैसे आज हमने लगा दिए थे 2 दिन रुक लेते हैं ना तब। वैसे देखिए, हमारा इरादा था टेंट लगाने का, देखो ऐसा, लेकिन टेंट में सोने का जो बात है ना भाई, वो 5-स्टार होटल भी फेल है मेरे लिए। अब पता नहीं आप लोगों क्या होगा, लेकिन हमारे लिए ऐसा है कि टेंट लगा करके सोएंगे ना तो ज़्यादा। ये देखिए, ये चला जाएगा, ये जो यहाँ से ये दिख रहा है ब्रिज, ये चला जाएगा आपको लेह की तरफ, और ये चला जाएगा श्रीनगर की तरफ, और जिधर पीछे से हमारे ये चला जाएगा जंस्कार को, जंस्कार वैली इधर ही है। ये जो कारगिल शहर है, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से लेह से बड़ा लगता है मुझे, बड़ा है, नहीं नहीं ले के जितना ही है, ले से छोटा, ले ये यहाँ का बस स्टैंड है। यहाँ से आपको सुबह में आइए, शाम में आइए, किसी टाइम भी आइए, पता कर लीजिए कि यहाँ से बस जाती है हर जगह, श्रीनगर भी जाएगी, लेह भी जाएगी, और मे बी जंस्कार वैली की तरफ भी जाती है। Thank you.
आलू का पराठा कर देना, और एक मतलब टोटल 3, और ऑयल थोड़ा कम डालना, ठीक है, मतलब एकदम ना के बराबर, आलू थोड़ा ज़्यादा डाल देना। ये था मिश्रा वैष्णो ढाबा। अब कारगिल की तरफ जाए, कारगिल से श्रीनगर की तरफ जाएंगे तो ये मिलेगा। और आलू का पराठा बहुत शानदार बनाया था इसने, क्योंकि आलू का पराठा तभी खाने में मज़ा आता है जब आलू और आटे का बैलेंस अच्छा हो, तो बहुत अच्छा बैलेंस था, मज़ा आ गया खा के। और दूसरी बात ये कि देखिए, यही ज़िंदगी है ना, आए कि हम रहे 4-3-4 स्टार होटल में और नाश्ता कर रहे हैं ये छोटे से ढाबे में आकर के। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना ऐसे ही होता है कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, इधर लगा दिया तो इधर इधर घटाओ, है ना भाजी, ऐसे यूं करके चलना पड़ता है। लेकिन अच्छा होता है यार, ज़िंदगी अच्छा है, शुक्र है, रब का शुक्र है, नहीं भाजी। तो यहाँ से जो कारगिल वॉर मेमोरियल है लगभग 60 किलोमीटर होगा, 60 या 55 ऐसे कुछ होगा, 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे कारगिल वॉर मेमोरियल। आगे हम द्रास कारगिल वॉर मेमोरियल, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ठहरेंगे यहाँ पे 10 मिनट। फाइनली ऐसा है कि हम पहुँच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल, और यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट अंदर जाएंगे, क्योंकि हम पिछली बार भी जब इधर से गए थे तो इसके अंदर होके गए थे, लेकिन इस बार भी जब इधर से होके जा रहे हैं तो मेरा मन नहीं माना, मैंने सोचा कि एक बार रुकते ही हैं। तो ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, ठीक है सर, एंट्री। प्रकाश, कि जब आप यहाँ से एंट्री करेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे शूज़ पहन के आना है, और दूसरी बात कि आपको कहीं पे बैठ के फ़ोटो नहीं खिंचाना, और यहाँ पे जो फुटपाथ है, जो चलने का जगह बनाया गया, उसी पे चलना है, आपको ग्रास पे नहीं चलना है, ये सारा चीज़ बताया गया। और दूसरी बात कि आप ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं वो वाला जो टॉप है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब मैं पिछली बार आया था, कि उसे तोरोनिल टॉप बोलते हैं, और वहाँ से ही पाकिस्तानियों ने इस जगह पे हमला किया था, इसी जगह पे वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। और उधर आप देख रहे होगे ना, उधर वहाँ पे एक टाइगर हिल है, तो वहाँ पे भी लड़ाई लड़ी गई थी, वहाँ पे भी हमला हुआ था, तो लेकिन जीत तो हमारी हुई थी। और ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पे जो पाकिस्तान के आर्मी वाले थे उनसे जो चीज़ हमने छीना था, जैसे बंदूक हो गया, जो भी सामान था, ये इस म्यूज़ियम में है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल बंद है। और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये है वीर भूमि, यहाँ पे जितने भी जवान शहीद हुए थे उनका वो बोर्ड लगाया है, उनका नाम लिखा है, और सारी चीज़ें लिखी हैं उनकी जो कुर्बानी है। मैं मतलब वो सोच रहा था कि जो मैंने विक्रम बत्रा मूवी देखी है, कि ऊपर से वो हमला कर रहे थे, तो उस टाइम क्या सिचुएशन होगा यहाँ पे। हाँ, जस्ट मतलब इमेजिन करने की बात है कि उस टाइम क्या माहौल होगा, है ना। वो जो आप टॉप देख रहे हैं तोरोलिन, वहाँ से अचानक हमला हुआ था, जैसा कि हमने मूवी में देखा और जैसा लोग बताते भी हैं। तो आदमी जब सोचता है तो अंदर से वो रोंगटा खड़ा हो जाता है, क्या सिचुएशन होगा उस टाइम यहाँ पे। तो
तो फाइनल बात यह है कि आप में से जितने लोग लेह से श्रीनगर जा रहे हो या श्रीनगर से ले जा रहे हो, तो ये बीच रास्ते में पड़ता है, तो आप यहाँ पे आधा घंटा टाइम ज़रूर दें। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस बाहर की तरफ और निकलेंगे सीधा, जो जिला पास होते हुए सोनमर्ग जाएंगे। कि मैं हिमाचल भी गया, उत्तराखंड भी गया, लेकिन जो खूबसूरती कश्मीर की है ना, वो बिल्कुल अलग है। और जो इस टाइम हम आए हैं, पिछली बार हम आए थे अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में आए थे शायद, है ना भाजी? और उस टाइम मतलब वो जो सीज़न था वो जाने वाला था, इसलिए वो खूबसूरती तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जो अभी जो खूबसूरती दिख रही है ना, एक तो ग्रीनरी भी है, ऊपर से जो स्नो कैप माउंटेन है वो जो खूबसूरती बढ़ा रहे हैं इस पूरे रीजन का, वो एक अलग लेवल का है। फाइनली हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग और वक्त हो रहा है 5:16 और हम कारगिल से निकले थे लगभग 10 बजे निकले थे। और रास्ते में क्या हो गया कि जोजिला पास जैसे हमने क्रॉस किया, वहाँ पे इतना लंबा जाम लग गया कि हमें वहाँ पे 2.5 घंटा टाइम देना पड़ा। लगभग 2 बजे हम पहुँच गए थे जोजिला पास और अभी हम वहाँ से खुले हैं और अभी हम फाइनली सोनमर्ग पहुँच गए हैं। तो ये है सोनमर्ग। वैसे मैं 6 महीने पहले भी आया था, अगर आप मेरा वो वाला व्लॉग देखना चाहते हैं मेरे कश्मीर सीरीज़ में होगा तो वो आप देख सकते हैं। मैं गया था इधर, ऊपर थाजवास ग्लेशियर है। सोनमर्ग जो है वो फेमस इसलिए है कि इधर एक थाजवास ग्लेशियर है और उधर बजरंगी भाईजान की शूटिंग भी हुई थी, और दूसरी बात कि ये बिल्कुल है ना नेचुरल है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा फेमस है। और अभी के टाइम में टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो खैर ये सारा सीन था। ये आप जो देख रहे हैं ये द्रास रिवर जा रहा है हमारे साथ, और यहाँ पर हमने पिछली बार भी कैंपिंग किया था और इस बार हम फिर से सोच रहे हैं कि यहाँ पर टेंट लगाएंगे और रहना, 1-2 दिन बड़े आराम से रहेंगे। पाजी हो सकता है कल चले जाएं लेकिन मैं रहूँगा यहाँ पे। तो अभी क्या करते हैं कि टेंट लगाते हैं और खाना वाना बनाने का जो कारवा है उसको बढ़ाते हैं। यहाँ पे टेंट लगा लिया लेकिन मौसम जो है अचानक बदल गया, चारों तरफ बादल छा गई और धीरे धीरे बारिश भी हो रही है। और ऐसा कुछ लोकेशन है हमारे टेंट का लेकिन बारिश शुरू हो गई है, इसे हमें घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है, बारिश होती है। तो टेंट के अंदर हमने ये सारा सेटअप कर दिया। यहाँ पे हमने बैग रख दिया बड़ा वाला, ये जैकेट जो हम पहन के आए थे वो है, तौलिया है, और ये जैकेट को तकिया बना लेंगे, और इधर हमने जूता रख दिया है, और ये पिट्ठू बैग है। तो ऐसा कुछ हमारा अंदर से लग रहा है और बाहर बारिश हो रही है।
भाई आए हुए हैं कुपवाड़ा।